दूध दही हो गया, दूध मुरी हो गया, नमक। हाँ इस तरह के जो चीजें हैं उसका सेवन नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। तो हमने 24 घंटे पहले से इसको ऐसा कुछ खाने के लिए दे दिया, और उसके बाद कुछ खाने को नहीं देना है। बढ़िया जबरदस्त भूख लगेगा, फिर शाम को भी हल्का सा भोजन दे दो। ठीक है, फिर तो हाँ जी। अपन 24 घंटे तक खाने नहीं देना है कि बीच में नहीं नहीं भूख नहीं नहीं लगी नहीं तो नहीं नहीं दे सकते? सुबह एक बार सुबह दे दिया, 24 घंटे पहले से ही, 24 घंटे पहले से ही रोगी को हल्का भोजन देना है। 24 घंटे पहले से ही लघु आहार देना है, और उसको विशेष करके ये चीजें ध्यान देना है कि अभिसंधिकर विपरीत वीर्य वाला चीजें नहीं देना। इसको हमने ध्यान देना है, 24 घंटे पहले से लघु आहार में रखना है उसको। मतलब जब भूख लगता है तो लघु आहार देना है, मतलब ऐसा नहीं कि 24 घंटा पहले कुछ खा लिया उसके बाद नमस्कार, ऐसा नहीं करना है। सुबह खाया 24 घंटा पहले, उसके बाद ध्यान दिया अभिसंधिकर या विरुद्ध आहार वाला कोई ऐसी चीजें नहीं खाना है। दिन में नहीं सोना है, और रात को भी कम से कम 5-6 बजे, क्योंकि अब हम उसके चिकित्सा कर रहे, तो उसको उसी तरह के कुछ हल्का भोजन उसको दे करके, भूख लगने पर, क्योंकि भूख तो लग ही जाएगा, लघु आहार है और ऐसे कोई चीज नहीं दे रहे, तो रात को दे करके समय में उसको सुला दिया। अब दूसरे दिन पिबेत संसमनम स्नेहम अन्न काले प्रकांक्षित। प्रकांक्षित मतलब जो आकांक्षित तेल घी वसा मज्जा जो भी है, जो आप उसको देना चाहते हो। भगवान का नाम लिया, अपने इष्ट देवता का नाम लिया, अपने गुरु का नाम लिया, उस घृत वसा मज्जा जो भी है उसको गर्म करना है, थोड़ा सा सेंधा नमक डालना है, और उसको बढ़िया स्तोत्र करके भगवान को स्मरण करके रोगी को अन्न काल यानी दोपहर के उसका भोजन करने का टाइम, दूसरे दिन सुबह जब भूख लगेगा प्रॉपर, और सुबह उठ करके स्नेहपान करने से पहले हमने रोगी से पूछना है कि सुबह मल साफ हुआ क्या, मूत्र साफ हुआ क्या, मल मूत्र के बेग देखना है, क्योंकि बेग अभिधारण नहीं होना चाहिए। अगर उस वो कहता है नहीं सर कॉन्स्टिपेशन था, यूरिन नहीं, आज सुबह सुबह से जी मचला रहा है, एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या नहीं करना चाहिए, स्नेहपान नहीं देना चाहिए। फिर डिले हो गया आपका स्नेहपान, उसको कहना भाई आज नहीं, अब कल देखेंगे, आज भी आप लघु आहार करो। आया समझ में? तो जिस दिन सुबह प्रॉपर तरीका से मल मूत्र प्रॉपर होता है, लेटिन होने के बाद अच्छी तरह से शरीर हल्का होता है, उसके बाद अन्न काल में देखो पिबेत संसमनम स्नेहम अन्न काले। अन्न काल का मतलब होता है रोगी का रोटी खाने का समय कौन सा है, ब्रेकफास्ट के समय नहीं, रोटी खाने का समय। यह जो घी यहां पिलाया जाएगा यह संसमन चिकित्सा के लिए है। संसमन पिबेत संसमनम स्नेहम, संसमन का मतलब होता है दीपन पाचन के बाद बमन विरेचन जो भी आपने किया है। मान लीजिए कफ कफ के रोगी आपके पास आया, तो आपने उसको पहले जो कुछ भी किया ट्रीटमेंट दे दिया, स्नेहपान पहले करा दिया, अब एक जबरदस्त विरेचन आपने दिया उसको, अथवा बमन आपने उल्टी कराने वाली दवाइयां दे दिया, जबरदस्त उल्टी हो गया, उसके बाद कमजोरी महसूस हो गया, उसके लिए ये नियम है। अब उसको हमने स्नेहपान कराना है, इसको संसमन स्नेहपान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो 61 वाला सूत्र, पिवेत संसमनम स्नेहम, संसमन स्नेह अन्न काले। ये संसमन का जो स्नेह है कब लिया जाए? अन्न काल में, जब रोटी खाने का टाइम हो, उस वक्त भूख लगा हो, सुबह पेट प्रॉपर साफ हुआ हो, शरीर एकदम निर्मल है, हल्का हो रखा है, थोड़ी सी कमजोरी है क्योंकि आपने प्रॉपर बमन किया होगा, विरेचन किया होगा, उस समय आपने भोजन के समय में यह स्नेहपान कराना है। स्नेहपान कराने का भी तरीका वही है। आप यहां पर यह जो स्नेहपान है,
अपने युक्ति से, ये जरूरी नहीं है कि कटोरे में लिया स्नेहा और उसके पास सेंधा नमक डाल करके पिला दिया, जरूरी नहीं है। मूंग के दाल बना लीजिएगा, पहले दिन एकदम हल्का सा मूंग का दाल या कोई ऐसा जड़ी बूटी की काढ़ा में थोड़ा सा चावल या कुछ ऐसी चीजें डाल दिया, उसमें स्नेहा के जो मात्रा है उसको डिसाइड करके कितना देना है, 1 चम्मच 2 चम्मच, उसके बल, उसके रोग, इन सभी को ध्यान में रख करके। ये कोई मात्रा ना कोई पहले से निर्धारित नहीं होता, पहले से नहीं, हाँ निर्धारित जस्ट सूत्र होगा जिसने कह दिया कि अन्न काल में देना है संसमन तेल, तो कितना देना है वो रोगी ही का शरीर ही बताएगा। उसको दे करके फिर उसके बाद अनुपान के रूप में गर्म पानी उसको पिला दो, ठीक है। संशोधन हेतु स्नेहपान उस समय करना चाहिए जब रात्रि का लिया हुआ आहार पूर्णतः जीर्ण यानी पक जाता है, अर्थात संशोधन हेतु स्नेहपान प्रातः काल का जो भोजन का जो समय होता है। बेसिकली अब देखो यहाँ पर प्रातः काल का समय, तो यहाँ पर शुद्ध्यंत पुनराहार है, नैसे जीर्णे पीबे नर, ये शब्द तो पहले के जमाने में क्या होता, सुबह सुबह 9 बजे भोजन किया था, तब क्योंकि ब्रेकफास्ट का प्रचलन नहीं था तब, है ना अनिल जी बताइए, तब जो है ना स्नेह सुबह सुबह ब्रेकफास्ट का नहीं होता था टाइम, वो तो सुबह 8-9 बजे पहले हम लोग भी जब थे बचपन में तो गुरुकुल में भी 9 बजे समथिंग रोटी पक जाता था, आजकल तो थोड़ा बिगड़ गए, हमारा आदत बिगड़ गया तो 9 बजे भूख लग जाता था, और जब पहली बार जब भूख लगेगा तो उस समय संसमन देना है। तो पहले दिन एकदम पतला दाल में इस स्नेह को डाल करके सुबह शाम लिया, क्योंकि अग्नि अभी हमारा कमजोर है और स्नेह पान करने से अग्नि मजबूत होता है, अग्नि धरा कला मजबूत होता है, घी से। अविनाश जी यहाँ हम घी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि विरेचन से बमन से अग्नि धरा कला कमजोर हो जाता है, अग्नि जो है वो कमजोर हो जाता है। इसीलिए अब देखो जितने भी जो ये बवासीर के रोगी है, पाइल्स के रोगी, ग्रहणी, आईवीएस के जो रोगी है, इन रोगियों का एक कारण अत्यंत पंचकर्म, अंधाधुंध बिन जाने सूत्र को बिन याद रखे पंचकर्म जो करते हैं उसको भी एक कारण माना है, बाद में हम पढ़ेंगे उसको, क्योंकि उससे मंदाग्नि होता है और मंदाग्नि को बाद में फिर ये संसमन क्रिया अगर आप नहीं करोगे तो वो मंदाग्नि फिर इसी तरह से आपको बहुत सारे प्रतिस्याय दे सकता है, साइनस वगैरह, कफज व्याधि हो सकता है, मंदाग्नि से होने वाली तमाम जो व्याधि है वो हो सकता है, बुखार आ सकता है अगर वो आम अवस्था में आमाशय में होगा तो, ठीक है ना। तो इसीलिए जो भी आप बमन कराओगे, विरेचन कराओगे, उसको करने के बाद दूसरे दिन से संसमन चिकित्सा करना है। संसमन का मतलब पहले दिन एकदम हल्का मूंग के दाल बनाया, खिचड़ी भी नहीं, जस्ट मूंग के दाल, पानी ज्यादा दाल कम, उसमें आपने घी बसा मज्जा जो भी रोग के हिसाब से डाल दिया, थोड़ा सेंधा नमक तो पहले से है ही, उसको पिला दिया, उसके बाद थोड़ा गर्म पानी दिन भर पीती रहेगी, शरीर में भी अभ्यंग यानी मसाज करना है संसमन चिकित्सा के संदर्भ में। अगर अग्नि कमजोर है तो फिर अभ्यंग कभी नहीं करना होता है, अभ्यंग के अयोग्य कौन कौन है इसको भी आप नोट करिएगा, संसमन के संदर्भ में अभ्यंग करना है तो अयोग्य कौन कौन है, एक तो जिसको साइनस हो रखा है, प्रतिशय बोलते हैं, साइनस वालों का कभी भी मसाज तेल से नहीं करना होता है, कफ से संबंधित तमाम जो रोग है, कफ से संबंधित रोग, आम अवस्था में कफ है, बुखार में कभी भी मसाज नहीं किया जाता, क्योंकि वह भी बुखार कौन सा रोग है, कफ से संबंधित रोग है, आम अवस्था में अपक्व आम ही आमाशय से उत्पन्न होकर के ग्रहणी स्थान में पहुंच जाता है और वो पित्त के उष्मा के साथ मिलकर के पूरे शरीर में विचरण करता है, रक्त के साथ मिल करके, इसीलिए स्किन में उष्मा पैदा हो जाता है, तो आम ही है वो भी। तो संशोधन और शुद्ध जो संशोधन करने के बाद जब शुद्ध हो जाता है शरीर, संशोधन करने के बाद
जो संसमन जब कर्म करोगे उसके बाद जब शरीर जब शुद्ध हो जाता है तो भी अभ्यंग नहीं करना चाहिए। अजीर्ण अवस्था में और मंदाग्नि की अवस्था में खाया हुआ पच नहीं रहा है और भूख भी नहीं लग रहा है, ऐसे दोनों ही कंडीशन में अभ्यंग यानी किसी भी प्रकार का मसाज नहीं करना चाहिए। आम युक्त शरीर हो, टॉक्सिन है, जीभ में देखा सफेद परत बना हुआ है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आम युक्त शरीर है वो, आम बात बोलते हैं जिसको, उसमें भी तेल से कभी मसाज नहीं करना चाहिए। नवज ज्वर, अभी अभी बुखार आया हुआ है तो नवज ज्वर में भी कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भी आम अवस्था में होता है शरीर। जब बुखार जब एक बार उतर जाता है और कभी सिर में खुजली हो रही है, भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है, निर्मल भूख लगता है, निर्मल प्यास लगता है, सिर में खुजली हो रही है, तो ये बुखार उतरने का एक सिम्टम्स है शरीर में। हाँ, बुखार उतर रहा है यानी वह जो आम है अब वो निराम अवस्था में चला गया, शरीर के सारे जो विष है वो नष्ट हो गया। उसके बाद अब घृत सेवन कराना है, अग्नि को बढ़ाने की व्यवस्थाएं करनी है और उसके बाद फिर आप अभ्यंग कर सकते हो अगर जरूरत पड़ा तो, शरीर अगर कमजोर हो रखा है तो। बड़े बड़े हॉस्पिटल में कीमोथेरेपी करने के बाद या अगर करने के बाद अग्नि तो सही है लेकिन शरीर क्षय अवस्था में है तो अभ्यंग करना है, क्योंकि अभ्यंग के संदर्भ में ग्रंथकार क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं कि भाई अभ्यंग करने से शरीर जो है मजबूत होता है, अग्नि का प्रवर्धन होता है, बल का प्रवर्धन होता है, आंख को बल मिलता है, चक्षु दृष्टि नष्ट हो जाती है, मज्जा धातु को बल मिलता है ना। तो इस तरह से कम भी बताया गया है कि त्वचा से मज्जा धातु तक जो तेल है मसाज में, वहां तक पहुंचने में 40 या 45 मिनट का वक्त लगता है, तो 40 से 45 मिनट तक कंटिन्यू अभ्यंग यानी मसाज करना चाहिए। जिस दिन बमन और विरेचन दे चुके हैं यानी वोमिटिंग वाला हो गया, विरेचन लूज मोशन वाली प्रोसेस हो गया, अब उसके बाद डेफिनेटली क्या करना चाहिए, अभ्यंग नहीं करना चाहिए, मसाज नहीं करना है। संतर्पण जन्य व्याधि है, जितने भी चाहे वो मेदो रोग हो, डायबिटीज हो, ये सारे जो संतर्पण जन्य व्याधि है उनमें क्या नहीं करना चाहिए, अभ्यंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से अभ्यंग का यह व्यवस्था है। तो संसमन की व्यवस्था यहां पर हो गया है। अब देखिए जरा 62 वाले सूत्र है, स्नेह पान के पश्चात पथ्यापथ्य क्या होना चाहिए। आपने स्नेह पान तो दे दिया, संसमन स्नेह पान दे दिया, उसके बाद पथ्यापथ्य क्या होना चाहिए। व्यक्ति को आहार विहार में उष्ण जल का प्रयोग यानी कि वो स्नान कर रहा है स्नेह पान होने के बाद, अब ये स्नेह पान चाहे तो बमन विरेचन करने से पहले दो चाहे उसके बाद दो, संसमन का हो या शोधन का हो, हर तरह के स्नेह में यानी तेल घी बसा मज्जा जो भी आप देते हो उन दिनों में, बाहर शीत ठंडी हवा हो और ऐसे बाहर व्यायाम नहीं करना चाहिए, सैर करने के लिए सुबह सुबह लोग जाते हैं तो उसको मना करना चाहिए, और गर्म पानी से नहाना चाहिए, पीने का मन करे तो गर्म पानी पीना चाहिए, ब्रह्मचारी हो करके रहना चाहिए, ये जो शारीरिक संबंध से दूर रहना चाहिए, रात में नहीं सोना है और दिन में रात में नहीं जगना है, सॉरी रात में जागरण ना करे और दिन में ना सोए, आधारणीय बेगों का धारण कर नहीं करना चाहिए, स्टूल मल मूत्र और वायु इनका धारण नहीं करना चाहिए, जो धारणीय बेग है उसको धारण नहीं करना, जो धारणीय बेग है उसको धारण करना चाहिए, जो अधारणीय बेग है उसको धारण नहीं करना चाहिए। अधारणीय बेग धारणीय बेग पता है ना अविनाशी, हाँ मल है मूत्र है हाँ ये सारे, और जो है अधारणीय वेग में धारणीय वेग है काम क्रोध लोभ मोह
तो इन सभी चीजों को भी ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, व्यायाम नहीं करना है, तभी आपको इसका सम्यक बेनिफिट मिलेगा। व्यायाम नहीं करना है उन दिनों में। ऊंचे स्वर में नहीं बोलना है, जोर जोर से। ऊंचे स्वर का मतलब है, अगर कोई सिंगर है तो उसको बोल देना कि भैया कुछ दिन तक ठहरो। अगर कोई टीचर है तो उनको बोलो कि भैया कुछ दिन तक ठहरो, आराम करो। क्रोध नहीं करना है, शोक नहीं करना है, क्योंकि ये सभी क्रिया शरीर में रुक्षता को पैदा करता है। शीतल पदार्थों का सेवन नहीं करना है, क्योंकि वह भी फिर अभिसंधि कारक होता है। फ्रीज में रखे हुए द्रव्य जैसे पानी है, दूध है, कोई भी खाद्य पदार्थ है, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। उष्ण द्रव्यों का भी प्रयोग, बहुत अधिक उष्ण द्रव्य है, उसका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। जहां पर वो रहता या सोता है, उसका बेड, वहां पर कहीं से भी हवा ना आए, इसका प्रबंधन करना चाहिए। ये सभी चीजें यहाँ पर 64 वाले सूत्र में, स्नेहम पित्वा नरस्नेहम प्रतिभुंजान एव च स्नेहमिथ्योपचाराति जायन्ते दारुणागदा के करके इसके बारे में यहाँ पर बताया। दीपन पाचन करने से पहले भी रोगी को इसी क्रम से उसको स्नेह देना है। उसको तो मैं पहले से मैं बताते हुए आ रहा हूं, जब स्नेह देने का टाइम आएगा तो सुबह उठने के बाद कम से कम 8 बजे पहले बार जब भूख लगता है, आपका ब्रेकफास्ट करने का जो टाइम है, उस वक्त स्नेह पान कराना है। स्नेह हमेशा गर्म सेंधा नमक वगैरह डाल करके दिया जाता है, थोड़ा सा गर्म करके उसको देने के बाद दिन भर गर्म पानी जब प्यास लगे तो पीना है। यहाँ पर भी फिर वही है हमारा नियम, प्यास लगे तो ही पानी पीना है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा नियम है ही नहीं कि अगर प्यास लगे तो पीना है, अदरवाइज अगर वो नहीं पचता, स्नेह जो आपने दिया है प्रॉपर डाइजेशन अगर नहीं हुआ है, तो गर्म पानी देने से ऐसी मान्यता है कि जो स्नेह है वो पच जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारा स्नेह के बारे में हो गया, और बाकी तो यहाँ बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। स्नेह जीर्ण के कारण यदि तृष्णा उत्पन्न हो जाए, अब ये भी चीजें हैं। ये है आपका 75-76 वाला यह जो सूत्र है, ये भी है। लेकिन मुख्य मुख्य सी जो बातें हैं वो यही है कि स्नेह पान करने का इसका विधि क्या है। यदि स्नेह जीर्ण के कारण यदि तृष्णा उत्पन्न हो जाता है, स्नेह जो है वो अजीर्ण हो गया, स्नेह जो भी आपने तेल घी बचा मज्जा जो भी दिया था वो अजीर्ण है, और उसके कारण से बहुत ज्यादा प्यास लगा है, तो ऐसी अवस्था में क्या करना है, पानी नहीं पीना है। प्यास लगने से तो शीतल पानी दिया जाता है, लेकिन आपने जो पहले घी तेल बसा मज्जा जो दिया था वो अभी डाइजेस्ट हुआ नहीं है उसका, तो अब क्या करेंगे कि उसको हम क्या करेंगे, उसको गर्म पानी पिला करके बमन करा देना चाहिए, चिकित्सक को बमन कराना चाहिए। उसके बाद ही शीतल जल पिला पिलाकर एवं रुक्ष अन्न खिलाकर पुनः उसको बमन कराना चाहिए, क्योंकि स्नेह जो है ये कफ को बढ़ाता है, और अजीर्ण अवस्था में अगर वो स्नेह रहता है तो फिर वही शरीर में जाकर के आम का उत्पत्ति करेगा, फिर कहीं ना कहीं व्याधि उत्पन्न करता है। इसीलिए कहीं से भी गड़बड़ होने का संभावना नहीं रहनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्योंकि अगर हमने यहाँ पर स्नेह के व्यापद यानी कि अगर इसका आपने अगर विशेष ध्यान है, पहली बात तो अगर आप प्रॉपर अग्नि को ध्यान में रख करके सुबह बढ़िया बकायदा अगर आपने 24 घंटे पहले से ही स्नेह की तैयारी अगर आपने किया हुआ है तो ये व्यापद होने का कभी संभावना नहीं होता। और अगर आपने डर के मारे थोड़ा सा स्नेह दिया तो वह भी गड़बड़ कर देगा। स्नेह थोड़ा भी नहीं देना है और बहुत ज्यादा भी नहीं देना है, तो रोगी के हिसाब से करते करते अभ्यास हो जाएगा, ऐसी कोई बात ही नहीं है। इस तरह से हमने करना है। ठीक है। तो अगर स्नेह जनित व्याधियों में अगर कोई भी इस तरह के व्याधि अगर उत्पन्न हो जाता है, जैसे कि आपने कोई भी स्नेह दे दिया, तो स्नेह देने से कोई भी जैसे कि आपको नौजिया होने लग गया, तंद्रा यानी कि आपको उबासी जैसे आना शुरू हो गया, कॉन्स्टिपेशन होने शुरू हो गया,
गैस्ट्रिक होना शुरू हुआ, बुखार होना शुरू हुआ, स्टिफनेस ऑफ द बॉडी, उसके जो शरीर है वो स्तंभित होना शुरू हो गया, कुष्ठ रोग, अरुचि, तृष्णा, ग्रहणी, ये बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो कि अगर आप गलत तरीका से स्नेहपान कराते हैं तो उससे होता है। यानी कि बस यूं समझ लो कि वह जो स्नेह है उसको वो जीर्ण होना चाहिए, स्नेह प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट होना चाहिए। बस आप इतना समझ लो, ये प्रॉपर डाइजेस्ट कब होगा, जब उसका अग्नि प्रबल होगा स्नेहपान कराते हुए, जबरदस्त भूख लगा हुआ है उस समय आप स्नेहपान करा दो। बमन विरेचन करना है तो सुबह सुबह, सुबह के ब्रेकफास्ट के समय में स्नेह दे दो। अगर बमन विरेचन किया हुआ है उसके बाद संचमन करना है तो भोजन के समय में स्नेहपान करा दो, जो उसका मुख्य जो रोटी खाने का टाइम है। लेकिन दोनों में ही एक ही बात को ध्यान देना है कि अग्नि प्रबल होना चाहिए, ठीक है जी। इस तरह से मान लीजिए कि अनजाने में कभी रोगी ने कोई ऐसा चीजें भी खा लिया, स्नेहपान भी कर रहा है लेकिन अभिसंधि कारक चीजें भी खा रहा है, नियम में नहीं रह रहा है और उसके बहुत सारे मजबूरी वो गिना रहा है और गड़बड़ होने की संभावना दिख रहा है, डकारे आ रहा है बहुत सारी चीजें, तो हम क्या कर सकते, उसको एक बार प्रॉपर बमन चिकित्सा की व्यवस्था हमने करना है, ठीक है। तब तक इंतजार करना जब तक कि स्नेह जीर्ण ना हो जाए, अर्थात स्नेह जीर्ण होने तक उपवास करना चाहिए। इसके बाद उसको क्या करना है, थोड़ा सा लंघन करा देना क्योंकि जीर्ण हो जाए, और उसके बाद फिर इसको बमन करा देना। व्यक्ति की प्रकृति एवं बल, व्याधि बल का विचार करते हुए विरेचन और बमन करना चाहिए, इसको भी ध्यान देना। उसका शरीर बल कैसा है और व्याधि बल कैसा है। शरीर बल का मतलब शरीर अगर मजबूत हो, व्याधि का बल यानी कि जो रोग है वो थोड़ा कमजोर हो, ज्यादा समस्या वाला रोग ना हो, तो बमन विरेचन थोड़ा छोटा ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। शरीर बल अच्छा है, व्याधि बल बहुत तगड़ा है, स्ट्रोंग दे दो बमन विरेचन। शरीर बल बहुत कमजोर है, मरा मरा सा बंदा है, व्याधि बल बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में अलग अलग युक्ति से उसको ये बमन विरेचन देना है। युक्ति का मतलब विरेचनोपग, बमनोपग, महाकषाय का काढ़ा दे दो या ऐसा कुछ भी दे दो, छोटा सा स्थिति को देख कर के उसके अग्नि को ध्यान में रख करके बमन विरेचन भी दे दो। एक बार होने से नहीं होगा तो दो बार या तीन बार तक करके उसका आप परीक्षण करते हुए आप चीजें दे दो, ठीक है। तक्र और ये जब अगर आपने स्नेह दे दिया और उसके बाद अजीर्ण हो रहा है, तो मैंने तो एक ही चीज देखा हुआ है और जबरदस्त इसका रिस्पॉन्स है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। तक्र यानी मट्ठा, प्रॉपर तरीके से बना हुआ मट्ठा ले लो, सेंधा नमक डाल दो, उसमें थोड़ा पिपली भी आप डाल सकते हो या आप उसमें त्रिकटु वगैरह भी डाल सकते हो। हर रोज 100-100 ml जो तक्र है आप उसको पिला दो, कम से कम 2 महीने तक। बमन विरेचन भी करने की जरूरत नहीं है। स्नेह के बाद कोई भी ऐसा दिक्कत होता है तो तक्र कल्प उसको करा दो, क्योंकि तक्र जो है वो रसायन भी है, बलवर्धक भी है, अग्निवर्धक भी है, ग्रहणी को एकदम जबरदस्त काम करता है। ग्रहणी में IBS जैसे कंडीशन में तक्र दे दो, बहुत अच्छा काम करता है। बस देख, लेकिन अब देना सिर्फ तक्र ही है, फिर उस बीच में और कुछ नहीं देना है। ये मट्ठा कैसे बनता है सर? हाँ मट्ठा, हाँ भाई मट्ठा कैसे बनता है मैं नहीं जानता उसको। मट्ठा कैसे बनता है? सुभाष जी बोल रहे। जी सर, जी सर। अरे भैया आपके तरफ तो मट्ठा ही मट्ठा है। मट्ठा वही है यार, छाछ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं आपके तरफ? दही से जो बनता है घी माखन निकाल के। जी जी जी। क्या बोलते हैं उसको आप लोग? दही बोलते हैं उसको। अरे भैया दही तो दही हो गया, दही को अच्छी तरह से उसको करने के बाद जो माखन निकलता है बाद में घी निकालते हो, निकालते हो कि नहीं? जी जी। वो कैसे निकालते हो उसको? थोड़ा नहीं नहीं, हम लोग हाँ पूछना पड़ेगा सर, थोड़ा जो निकालते हैं पूछना पड़ेगा, हम ही लोग तो कभी नहीं निकाले हैं। अच्छा ठीक, देखो बटर मिल्क बोलते हैं उसको। जो तक्रारिष्ट, जो तक्र जो है ना, प्रॉपर तक्र कौन सा है, जैसे आज दही है, उस दही को जमा दिया, दूसरे दिन सुबह उसको
पिरो करके उसको कटर कटर करके वहां से माखन निकाला, माखन तो घी में चला गया, उसको उसको पिघला करके घी बनाया जाता है। अब ये जो माखन निकलने के बाद जो मट्ठा है 24 घंटे तक काम करता है, वह जो मक्खन के घी भी 24 घंटे तक काम करता है। प्रॉपर अगर आपको घी से बेनिफिट लेना है, शुद्ध देसी गाय का घी हो, आज सुबह निकाला 24 घंटे तक में उस घी को खत्म कर दो, वो घी जबरदस्त काम करता है। मेडिकेटेड घी उसी के बनना चाहिए, लेकिन आजकल तो सारा झोल मोल है। आजकल तो माताएं क्या करती है, आधा आधा लीटर दूध आता है या एक एक लीटर घर में दूध कहीं से आ गया, चाहे गाय या भैंस, और उसके दूध को गर्म किया, रखा फ्रिज में, ऊपर से उसका छाल तैयार होता है, मलाई, मलाई को निकालेंगे और एक गिलास में डाल देंगे, हाँ कल के भी निकालेंगे और कम से कम एक महीने के बाद वो गिलास भर जाता है, और उसको पकाएंगे, पकाएंगे, हाँ क्या बात है, मेरा तो शुद्ध घी है। अरे नहीं है शुद्ध घी, वो घी तो घी है, लेकिन मेडिकेटेड जो आयुर्वेदिक जो सिद्धांत के अनुकूल क्या कौन सा है, आज दही को रात को जमाया, कल सुबह वो दही जम गया, उसी वक्त उसको पिरो करके माखन निकालो, उसी वक्त उस माखन को पिघला करके घी बनाओ और 24 घंटे के अंदर खत्म करो, वो है घी। और माखन निकलने के बाद जो मट्ठा है, वो मट्ठा जो है आपका वो तकरा है, वो 24 घंटे तक काम करेगा। वह तकरा रोगी को देना है, ग्रहणी अग्नि से रिलेटेड जो व्याधि है उनमें बहुत अच्छा काम करता है। कल्प प्रयोग करिए, कल्प प्रयोग मतलब आज 100 ml, कल 200 ml, एक महीने में को कितना जाएगा, समथिंग 3 लीटर तक, कितना 1 लीटर तक जाएगा, कितना जाएगा अविनाश जी, दिन के 100 ml 100 ml 3 लीटर लीटर जाएगा, तीन लीटर जाएगा। तो 3 लीटर जो है, जब 30वें दिन में 3 लीटर पिएगा, दिन भर में पिएगा, मतलब ऐसा नहीं इकट्ठे ही पीना नहीं है एक बार में, तो क्या है कि सुबह थोड़ी देर में उठने के थोड़ी देर के बाद 100 ml पी लिया, फिर थोड़ी देर में 100 ml, ऐसा करके वो पीते रहे बस, बाकी और चीजें नहीं खाना है उसने, बस मट्ठा ही पीना है। एक महीने तक में 3 लीटर हो गया, फिर उसके बाद 100 ml कम करते हुए जाओ, 2 महीने में जाकर के आपका ग्रहणी कंप्लीटली ठीक होगा। लेकिन ये एक चाबी मैं आपको बताता हूँ ग्रहणी के विषय में, ग्रहणी जहाँ IBS है, IBS कई सारे, IBS क्या है, समान वायु का काम है ना, ग्रहणी रोग क्या है, ग्रहणी समझने का तरीका क्या है, ग्रहणी समान वायु का काम है। समान वायु के 3 तरह के काम है, एक अन्न को पकड़ना, अन्न को छोड़ना और अन्न को पकाना, ये तीनों ही समान वायु के कार्य को अगर गड़बड़ हो जाता है तो ये तीनों में होने वाली जो जो डिसबैलेंस है वो उन तीनों को ग्रहणी कहेंगे। जैसे किसी को लूज मोशन बहुत ज्यादा होता है, बार बार IBS वाले कहेंगे सर दिन भर जाता रहता, तो यह समान वायु का समुंचति वाला है, वो समान वायु अन्न को छोड़ने का जो क्रिया है वो बार बार कर रहा है, वो बिगड़ गया उसका चाबी। अगर ऐसा है तो आपने तक्र का कल्प प्रयोग करना है, पिपली डाल करके, या आप कुछ भी हो तक्र कल्प कर दो। किस में करना है, अतिसार हो रहा है, बार बार मोशन जा रहा है तो। दूसरा, अगर रोगी बोलता है सर ग्रहणी है और रोगी बोलता है सर कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा हो रही है, यानी समान वायु का ऐसे पकड़ने की जो क्रियाएं हैं उसमें गड़बड़ हो रही है, ज्यादा पकड़ रहा है, छोड़ने की क्रिया ज्यादा हुई उसको हमने तक्रकल्प किया, पकड़ने की क्रियाएं ज्यादा हुई वायु के बढ़ने से, समान वायु की क्रियाएं ज्यादा हुई पकड़ने वाली, तो वहां पर क्या हो गया, वहां पर आपने पिपली जो है उसको क्षीर पिपली प्रयोग करना है, कल्प प्रयोग करना है। क्षीर पिपली में क्या है, पिपली को पकाया, दूध डाल करके उसको दोबारा पकाया और वो जो दूध है उसको रोगी को देना है। पहले दिन कम से कम 100 ml, दूसरे दिन 200 ml, करते करते अथवा रोगी को देख करके, पहले दिन कितना देना है 50 ml देना है, फिर दूसरे दिन 100 ml देना है, फिर ऐसे बढ़ाते हुए जाइए,
दस दिन तक पहुंचिए, तो दस दिन में अगर हमने पहले दिन 100 ml दिया तो दसवें दिन में कितना हो गया, 1000 ml यानी 1 liter हो गया, 100-100 ml के हिसाब से भी, तो दिन भर में 1 liter वो पिपली साधित जो दूध है वो आप दे दो। फिर उसके बाद 9वें दिन में फिर वही 100 ml थोड़ा कम करो, फिर उधर 100 ml कम करो, 8वें दिन फिर 7वें दिन 6 दिन, ऐसे 10-10 दिन का कल्प जो है आप लोग कर लीजिएगा, फिर देखना जरा कॉन्स्टिपेशन वाला ग्रहणी कितना जबरदस्त काम करता है। उसके साथ में तृष्ण आदि चूर्ण हो गया, गंगाधर चूर्ण हो गया, ये सारे तो है ही, जो चल रहा है वो चल ही रहा है। जब तक कल्प प्रयोग करते तब तक कोई दूसरे भोजन खाने को नहीं देना है, मतलब नहीं देने का मतलब पूरी तरह से नहीं देना है, ऐसा नहीं है। अगर अतिसार वाला है तो कुछ संग्राहक जड़ी बूटियों का काढ़ा बना करके उसमें आप यूश तैयार कर लो, या उसमें आप क्वाथ कुछ भी ऐसी चीजें तैयार करके दे दो अपने हिसाब से, अगर ये है तो अतिसार है तो। कॉन्स्टिपेशन है तो फिर कॉन्स्टिपेशन में कुछ मधुर रस वाला ऐसा कुछ जड़ी बूटियां डाल के दे दो, जो कि कब्ज को नष्ट, एरंड का जड़ ले आ करके उस जड़ का ही कर लो, क्योंकि वो अपान वायु को खोलता ही है, गति करता है, तो एरंड का जड़ ले लिया, अपमार्ग का जड़ ले लिया, जो भी अनुलोमक है उनका काढ़ा बनाया, उसमें थोड़ा चावल डाल करके खिचड़ी बना करके दे दिया, बस खत्म हो गया। ज्यादा कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है, कुछ भी दोगे चलेगा, बस सिंपल सी बात है, आयुर्वेदिक सूत्र हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोगों ने स्नेहा पढ़ लिया, कल हम लोग पढ़ेंगे स्वेदन यानी स्टीम की जो व्यवस्थाएं हैं, कल हम उसको पढ़ेंगे।